बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी रीडवाना के नजदीक गांव सिंघाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां इस दौरान वो निरीक्षण कर खुश तो हो गए, लेकिन विद्यार्थियों ने उनके सामने अपनी परेशानी रख दी। इसके बाद एसडीएम ने खुद बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और बच्चों को पढ़ाने का आश्वासन दिया, जहां अब एसडीएम लगातार अपने व्यस्त टाइम शेड्यूल में से टाइम निकालकर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज टीडवाना से 11 किलोमीटर दूर जाते हैं। स्कूलों में जैसे हम मिड डे मील और मुख्यमंत्री दुग्ध योजना, अन्य योजनाओं को हम चेक करने जाते हैं, स्कूलों की स्थिति चेक करने जाते हैं, तो उस दौरान मुझे पता पड़ा कि गणित की जो फैकल्टी है वहाँ पे है नहीं और स्टूडेंट्स में खासी समस्या है। और 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 3 महीने में, तो इसको देखते हुए, चूंकि मेरा गणित का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग और MBA बैकग्राउंड है, तो इसको देखते हुए मैंने स्वयं एक पहल की है कि मैं खुद जाके बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चों से एक संवाद कायम करूंगा और उनकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लूंगा जिससे उनका सिलेबस कंप्लीट हो पाए। जनटीवी के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।